नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी आइडियाज मिलती है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे मैं बता रही हूँ। और ये फर्टिलाइजर खरीदने के लिए कहीं आपको कोई मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, ये आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। और ये जो जितने भी फर्टिलाइजर है मैं खुद अपने पौधों पे देती हूँ, क्योंकि जितने भी मार्केट में फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, और जो मैं अपने पौधों पे नॉर्मली वेजिटेबल ग्रो करती हूँ उसके लिए सारा ऑर्गेनिक यूज करती हूँ। और ये सारा फर्टिलाइजर मैं बहुत सालों से दे रही हूँ, तो बने रहिएगा इस चैनल में और देखते रहिए कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आप बिना मार्केट गए अपने घर में किचन से यूज कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी आपके गार्डन लवर्स फ्रेंड है या फिर किचन गार्डनिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं या नया स्टार्ट करने वाले हैं उनको कहीं मार्केट से जाके फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत ना हो और वो किचन में बहुत आसानी से ये सब फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और ज्यादा उनके जेब पे भारी ना पड़े, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, जो मैं पहले फर्टिलाइजर का बात कर रही हूँ वो है राइस वाटर, जो अब आप चावल के जो पानी धो देते हैं उससे, जो चावल का पानी धो के जो फेंकते हैं उस चावल के पानी से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। ये एक माइल्ड फर्टिलाइजर है जिसका कि कंसिस्टेंट यूज करने से आपको किसी भी फर्टिलाइजर डालने का चिंता नहीं करना है। इसमें जो स्टार्च बचाता है जो लेफ्ट ओवर राइस के धोने के बाद, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो कि एनकरेज करता है जो सॉइल के बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, उनको ग्रो करने के लिए। इसमें जो विटामिन और मिनरल्स रहते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ NPK रहता है, जो कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये राइस वाटर को आप अब से फेंकेगा नहीं और इसे रेगुलरली धो करके किसी भी कंटेनर में रख लीजिएगा, और जब भी आपको मन करे तो ये अपने पौधों को आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर अच्छा है और हमारे पुराने जमाने से नानी दादी ने इसको यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो हम दूसरे फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं वो है ओनियन पील फर्टिलाइजर। नॉर्मली हम ओनियन जो होता है रेगुलर सब्जियों में डालते ही हैं और ओनियन के बिना हमारे किचन चलता नहीं है, तो जिसके रोज छिलके रोज निकलते हैं उसको हम जमा करके फेंके नहीं, ऐसे पानी में आप दे के ये पौधों को दे सकते हैं। ये ओनियन पील जो होता है ये बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है, और इसको आप ऐसे बॉईल करके और उसके पानी को स्ट्रेन आउट करके आप पौधों पे दे सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट वे होता है इसका देने का कि आप जो है इसको ओवरनाइट के लिए किसी भी कंटेनर में ऐसे भर करके रख दीजिए और फिर स्ट्रेन आउट करके ये लिक्विड निकालिए। ये जो होता है ये रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है, जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये किसी भी पौधे में दे सकते हैं, गुलाब के लिए दे सकते हैं, हिबिस्कस में दे सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूटिंग के पौधे में आप दे सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है आपको 15 दिनों में दिखने लग जाएगा, क्योंकि ये पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आज से आप अपने ओनियन पील को फेंकिएगा ना, और उसको अगर आप गार्डन लवर है तो अपने पौधों में जरूर यूज करिए। तो फ्रेंड्स, जो हम तीसरे फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं ये हमारे सबके घर के किचन में नॉर्मली यूज होता है, जो कि होता है चाय पत्ती यानी कि टी। इसमें होता है 4.4% नाइट्रोजन, 0.24% फॉस्फोरस और 0.25% पोटेशियम होता है, और ये जो होता है सबसे रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन जो कि हमारे प्लांट के फर्टिलाइजर में होता ही है, और किसी भी पौधे को हेल्दी या फिर बैलेंस ग्रोथ के लिए, पॉटेड प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर हो सकता है, चाहे तो आप चाय बनाते हैं जो उसके बाद जो चाय पत्ती आपकी बच जाती है उसको भी आप धो के पौधों में दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप चाय पत्ती लेकर इसको आप पानी में डाल करके ऐसे घोल करके एक दो घंटा बाद आप देखेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। इसको भी आप अपने पौधों में अगर देंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आपके पौधे जो होंगे बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सोर्स है। तो ये आपका जो होता है ये हमारा है तीसरा फर्टिलाइजर, जो कि टोटली ऑर्गेनिक है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो हमारा चौथा फर्टिलाइजर है वो है बनाना पील फर्टिलाइजर, 42% पोटेशियम के साथ। जो बनाना का जो पील्स होता है वो होता है रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस, कैल्शियम भी रहता है, उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स जो कि हमारे प्लांट के लिए जरूरत के लिए होता है वो भी इसमें रहता है,
और इसको आप बहुत ही तरीके से देख सकते हैं। आप ऐसे ही केला खा के उसको आप किसी भी मिट्टी में या कंपोस्ट में बरी कर सकते हैं, या फिर जैसे ये आपको दिख रहा है, आप केले के छिलकों को ऐसे ले करके सुखा के उसको आप पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। इसको भी आप वीकली एक बार दे सकते हैं, 1 स्पून अपने पौधों में, या फिर ऐसे आप केले के फ्रेश केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े में बनाना टी कंपोस्ट टी भी फर्टिलाइजर टी भी आप अपने पौधों को दे सकते हैं। ये जो पोटेशियम रिच जो होता है वो होता है आपके फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होता है। अगर आपके सॉइल में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आपके फ्रूट की जो साइज है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, फूल बनते भी है तो या फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं या फिर फूल बनते ही नहीं है। तो ये जो होता है पोटेशियम जो होता है 42% के साथ रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। तो ये हमारा होता है फोर्थ नंबर का फर्टिलाइजर जो कि आपके घर में इजिली अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा फर्टिलाइजर है वो है एग सेल फर्टिलाइजर। एग सेल्स जो होते हैं वो रिसोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो एग्रीकल्चर लाइन में जो पाया जाता है वो रहता है कैल्शियम में, जो कि हमारे पौधों के लिए जरूरत रहता है। लैब रिजल्ट्स भी ये बोलते हैं कि एग सेल्स में जो होता है 4 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पोटेशियम रहता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में आपका फॉस्फोरस मैग्नीशियम सोडियम भी होता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी जब होती है पौधों में तो वो जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ रहती है वो नहीं बढ़ पाती है। तो कैल्शियम जो होता है बहुत ही जरूरी रहता है किसी भी पौधे का स्ट्रॉन्ग सेलुलर डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर आप इस कैल्शियम या फिर एग सेल्स को अगर आप पौधे के साइड पे डालेंगे तो इसका एक और बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट है गार्डन में कि जो स्लग्स है उनको ये दूर रखता है, क्योंकि जैसे ही ये स्लग्स इसको खाते हैं तो इसका जो उनका जो सॉफ्ट बॉडी रहता है वो इनके शार्प एजेस के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और वो स्लग्स जो होते हैं इससे दूर रहते हैं और नहीं आते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये टोमेटो के लिए जितने भी कैल्शियम के जिनको ज्यादा जरूरत रहता है जैसे कि टोमेटो होता है उनके लिए ये बेस्ट होता है। तो इन छोटे छोटे जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट होते हैं उसके उसके यूज से हमारे रेगुलर यूज से हमारे पौधों को बाहरी फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं रहती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि गार्डनिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा पैनिक ना ले कि हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं है। वो अपने घर में ही छोटे छोटे चीजों से फर्टिलाइजर बना के अपने पौधों को रेगुलरली दे सकते हैं और इनका रिजल्ट जो होता है वो नॉर्मली सारे लोग यूज करते हैं जो कि गार्डनिंग में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।